थैंक यू पीपल फ्रॉम द मीडिया. आज आपको हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बुलाया है टू ब्रीफ यू दैट हमारा दिल्ली चलो दिल्ली भरो अभियान आज हमारे वॉरियर्स फ्रॉम TWF, YTF एंड तिप्रा मोथा हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली और हम लोग 5 और 6 तारीख को अपना जो डिमांड है फॉर ग्रेटर तिप्रा लैंड वो दिल्ली में जंतर मंतर में सबके सामने रखेंगे. आई एम वेरी थैंकफुल टू द मेम्बर्स ऑफ द वॉरियर्स ऑफ द तिप्रा मोथा स्पेशली द TWF तिप्रा मोथा एंड YTF जिसने बहुत भारी नंबर में अपने वॉलंटियर्स को दिया है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे मेंबर्स लोग दिल्ली जा रहे हैं एंड वी विल बी पुटिंग अ डिमांड इन राइटिंग टू द होम मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अ डिमांड फॉर ग्रेटर तिप्रा लैंड. सेकेंड पॉइंट है कि हमारा 2-3 इश्यूज है. हमें एक खबर मिला था कि चरिलाम में एक व्यक्ति का मौत हुआ है. वी आर वेरी सैड कि कहीं में भी कोई त्रिपुरावासी का अगर मर्डर होता है या उसका मृत्यु होता है हमें मालूम नहीं है कि वो क्या पार्टी से है. लेकिन मेरे लिए व्यक्तिगत तौर में और हमारे तिप्रा मोथा के व्यू से वो पार्टी वो तो बाद में है. पहले एक किसी का पिताजी है किसी का हस्बैंड है किसी का फादर है और सबसे इम्पोर्टेंट वो हिंदुस्तान का एक नागरिक है. तो अगर पॉलिटिकल वायलेंस में किसी का भी मृत्यु होता है तो उससे हर पॉलिटिकल व्यक्ति को हर पॉलिटिकल पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और जिसने भी ये मर्डर किया है उनके खिलाफ पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. फिर से मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि ये बहुत शर्म का बात है कि हम जस्टिफाई कर सकते हैं किसी का मर्डर को या किसी का डेथ को क्योंकि वो कोई पार्टी का वर्कर है. वो सबसे पहले हिंदुस्तान का नागरिक है और नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा एक अलग एक ऐसे ही राज्य है जहाँ में जब पार्टी वर्कर का मृत्यु होता है तो हम बोलते हैं कि वो पार्टी वायलेंस में मारा गया. वो एक्चुअली अगर जिसने भी इसको ये उनका उनके ऊपर हमला किया उनको मारा पुलिस शुड बी अरेस्टिंग देम एंड पुलिस शुड बी टेकिंग फ्री एंड फेयर इंक्वायरी. ये मेरा सेकेंड पॉइंट था एंड वी डिमांड दैट एक्शन बी टेकन. इलेक्शंस अगले 2-3 महीने में आने वाला है और अगर आज पुलिस ने गुंडे लोगों को अरेस्ट नहीं किया तो ये आने वाले 2 महीने में सिचुएशन और ख़राब होगा और इससे स्टेट का छवि खराब होगा और ये वायलेंस अगर हमने आज इसको नहीं रोका तो 2-3 महीने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा. और मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ में किसी का भी वो BJP का हो CPM का हो कांग्रेस का हो मोथा का हो या कोई ऐसे ही आम नागरिक किसी के ऊपर भी कहीं में भी कुछ हमला होना चाहिए और उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि वो इस पार्टी से था या वो उस पार्टी से था. गुंडे लोगों को अरेस्ट होना चाहिए और गुंडे लोगों का कोई पार्टी नहीं होता है. गुंडे लोगों को आप अरेस्ट कीजिए ये हमारा क्लियर डिमांड है. लास्ट पॉइंट है आपने देखा है कि देर हैज़ बीन मैनी इशूज़ रिगार्डिंग कॉक बोरोक अनाउंसमेंट इन द अगरतला एयरपोर्ट. 1 महीने पहले मैं खुद सिविल एविएशन मिनिस्टर से जिनको मैं अच्छे तरीके से पहचानता भी हूँ जानता भी हूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया मैं उनसे मिला था और मैंने उनको राइटिंग में एक डिमांड दिया था कि महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में कॉक बोरोक में अनाउंसमेंट किया जाए. कॉक बोरोक हमारा स्टेट रिकग्नाइज्ड लैंग्वेज है और हमने ये कहा था कि ये अनाउंसमेंट
बंगाली में हो रहा है, हिंदी में हो रहा है, इंग्लिश में हो रहा है, उसको रहना चाहिए और साथ बाय साथ उसको कॉपरॉक में भी करना चाहिए। दुख का बात है कि उनकी चिट्ठी में लिखा गया है कि हम कॉपरॉक को कंसिडर नहीं करेंगे। मुझे दुख लगता है कि एक ऐसा लैंग्वेज जो इस भूमि का है उसको हम लोग सम्मान नहीं दे रहे। मैं फिर से अपील करता हूँ टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हमारे इंडिजिनस पिपरासा के सेंटिमेंट के साथ प्लीज़ खिलवाड़ मत कीजिए। हम चाहते हैं कि बांग्ला रहे, हम चाहते हैं इंग्लिश हिंदी रहे, और हम चाहते हैं कि कॉकपोरक भी इंट्रोड्यूस हो जैसे रेलवे स्टेशन में हो रहा है। आप हर चीज़ को बंगाली और कॉकपोरक में लाकर क्यों टेंशन लाना चाहते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी बंगाली ने भी अपोज किया है कि महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में कॉकपोरक में अनाउंसमेंट होना चाहिए कि नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये पॉलिसी जिसमें हमको डिवाइड एंड रूल किया जाता है वो अनएक्सेप्टेबल है, और मैं चाहता हूँ कि आज से 6 साल पहले जब जितेंद्र चौधरी ने, जो उस समय एमपी थे, उन्होंने चिट्ठी लिखा था, तो उन्हीं उसी समय सिविल एविएशन मिनिस्टर, जो एनडीए गवर्नमेंट के ही सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हम कॉकपोरक में अनाउंसमेंट करेंगे। तो 6 साल में क्या बदल गया है कि आज आपको कॉकपोरक का अनाउंसमेंट महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में नहीं किया दिया जा रहा है? यही बात CBSE एग्जाम्स का भी है। CBSE का जो परीक्षा होगा, हम वेलकम करते हैं कि कॉकपोरक को CBSE में आप दर्जा दे रहे हैं, लेकिन परीक्षा आप बांग्ला लैंग्वेज में कर रहे हैं। अगर बांग्ला लैंग्वेज में CBSE का एग्ज़ाम्स हुआ तो 99% हमारे स्टूडेंट को मुश्किल होगा एग्ज़ाम्स पास करने के लिए। आप क्यों हमें इंग्लिश में एग्ज़ाम्स देने का अवसर नहीं दे रहे हैं? आज दूसरे जो लैंग्वेजेस हैं नॉर्थ ईस्ट में, जो 8th लैंग्वेज कमीशन में नहीं है, उनको भी आप मौका दे रहे हैं अपने लोकल लैंग्वेजेस में या उनके चॉइस ऑफ लैंग्वेज में परीक्षा देने के लिए। तो हमारे स्टूडेंट्स को जो कॉकपोरक में एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको आप क्यों फोर्स कर रहे हैं कि हमारे चॉइस में नहीं देकर किसी और चॉइस में दिया जाए? स्टेट गवर्नमेंट को मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि आप हर चीज़ को ऑपोजिशन के तरीके से मत देखिए। ये हमारा जो सजेशन है कंस्ट्रक्टिव है। अगर आप ऑपोजिशन का बात सुनेंगे, कभी कभी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सुनेंगे, तो इससे किसी का नुकसान नहीं होता, देश का भला होता है, राज्य का भला होता है। अगर आपको कोई सवाल है इसके बाद, आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर। इफ एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग आल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लीज फील फ्री। And do you feel that the political violence, have increased in last couple of months in the state? Murder, if someone dies, how can you justify a death of an individual? मैंने कुछ statements सुना है कि वो CPM का worker था या वो BJP का worker को पीटा गया। सबसे पहले वो CPM worker नहीं, सबसे पहले वो BJP worker या मोथा worker नहीं, कांग्रेस worker नहीं, सबसे पहले वो हिंदुस्तान का एक नागरिक है। अब अगर हिंदुस्तान के नागरिक को आप पहले पार्टी के रंग से देखेंगे और हिंदुस्तान के नागरिक के आधार से नहीं देखेंगे, देन देश में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, स्टेट में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ त्रिपुरा का ही नाम क्यों आता है जब वायलेंस होता है? अरे एक पार्टी अपना प्रोग्राम कर रहा है, दूसरा पार्टी उसका प्रोग्राम कर रहा है, करने दीजिए। और मुझे नहीं लगता है कि अगर पुलिस को फ्री हैंड दिया जाए तो ये सब अरेस्ट हो जाएंगे गुंडे लोग, क्योंकि ये जो गुंडे लोग CPM के टाइम भी थे, कांग्रेस के टाइम भी थे, आज BJP के टाइम भी है, ये गुंडे लोग हैं। और गुंडा लोगों को अगर हम आज पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देंगे, बाद में जब हम लोग पावर में नहीं रहेंगे तो यही गुंडे लोग हमें कोई अटैक करेंगे। ये दीज पीपल आर थ्रेट टू अ सोसाइटी। और मुझे जहाँ तक खबर है पुलिस अच्छे लोग हैं, पुलिस में वो लोग अरेस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब भी अरेस्ट होता है, ड्रग्स का मामला हो या पॉलिटिकल वायलेंस का मामला हो, तो मंत्री का फोन आ जाता है, नेता का फोन आ जाता है कि ये इसको, ये हमारे लोग हैं, इनको छोड़ दो। जब तक ये फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा ये वायलेंस रहेगा। आई थिंक पीपल हैव टू बी अरेस्टेड, एग्जाम्पल हैज टू बी सेट।
whoever, if today we do not arrest perpetrators of this violence, in the next 2 months violence will increase and common people, the common citizens of Tripura will suffer. But the chief minister says police have been given to me. Do you think that there have been some changes in the last 2 months in the police activity? Because I think the chief minister has been, to be very honest, I am not a person who will criticize for the sake of criticism. The chief minister seems like an honest man, he seems like a decent man. But I think the chief minister also has to understand that the police have never been given a free hand in Tripura, whether it was under Manik Sarkar or whether under Biplab Deb or today under Manik Shahaji. I think because there is enough, I don't think police has been given free hand in India. So there is no special case in Tripura, but I just think that the police today are scared in arresting smugglers, drug smugglers. Police are afraid in arresting the helmet gang squad. And because we gave these people such khula, freedom, today these people are doing whatever they want to do. And the politicians also are finding it difficult to control them. The police have to be given complete free hand to arrest. And if this happens, the violence will come down. Mark my words, this situation, if it is not controlled now, will spiral into a bigger problem and we don't want that. Sir, Tripura mein jo ghatna ghati hai, uske turant baad deputy minister ne bola hai ki agar bahar se koi aake aisa karenge to BJP ke log ko rokenge. To wo log jo law and order ko haath mein liya hai, kya कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ ले ले, हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं. और जो बाहर से आए, अगर बांग्लादेश है तो ठीक है, लेकिन अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा सकते, वो बात देखिए. अगर कल कोई खुमलुंग से अगरतला आए और बोले कि बाहर के लोग, ये लैंग्वेज ठीक नहीं है. हम लोग सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम लोग सब त्रिपुरा के वासी हैं और कोई को भी त्रिपुरा में फ्रीली मूव करना चाहिए. ये जस्टिफिकेशन नहीं होता है लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने के लिए. अगर कोई ने बाहर से आए और किसी ने उकसाने का कोशिश किया, आप एफआईआर फाइल कीजिए पुलिस से, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना ठीक बात नहीं. और कोई सवाल? आई हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट एनी वायलेंस, वेदर इट वॉज द मर्डर ऑफ अ जर्नलिस्ट ड्यूरिंग द सीपीएम रूल, when IPFT was having an andolan, when a media was killed. In 2011, when two indigenous tribal boys were killed. Whether it was in 2019, under Citizenship Amendment Act, when four people were shot, people were beaten out of thing. Jab Biswajit Deb Barma ko mara gaya in North Tripura. Kumar Deb Barma. तो मंत्रीलाल काइपेंग, पिंडूलाल चाकमा, मेनी पीपल अक्रॉस कम्युनिटीज, बंगालीज हो, कोई भी. आई थिंक अपना दुर्गा रामथल पुलिस वॉज रन डाउन बाय ड्रग स्मगलर्स. तो आई थिंक इट्स एंड नोबडी इज गेटिंग अरेस्टेड, यू सी दैट्स द प्रॉब्लम. वी ऑल नो दैट पीपल आर बी मर्डर्ड और पीपल आर डाइंग, व्हाई इज इन दे anyone going to jail for it? What is the problem? That is where, if a policeman is killed and the people who have murdered a police, some inspector and Durga Rampal, and even those people have not gone to jail, then it says that something is wrong in the system. System mein kuch na kuch to problem hai. Ki jo police ko maare aur wo jail nahi jaye, to kuch na kuch to problem. I would also like to bring one thing to you, your attention, regarding एयरपोर्ट का बात, रिगार्डिंग बकवारा का नॉन्स. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई माय ब्रदर, कजन ब्रदर ज्योतिरादित्य सिंधिया सेज दैट बंगालीज प्रेफर्ड ओवर कॉकरोच. मैंने तो नहीं कहा कि बंगाली हटाओ और कॉकरोच को आप उसमें इम्पोर्टेंस दो. मैंने कहा अलॉन्ग विद बांग्ला, अलॉन्ग विद हिंदी इंग्लिश, आप कॉकरोच को आपको, या फिर मेरा चिट्ठी आपको समझ में नहीं आया, या फिर आपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया, या आपने पढ़ा भी नहीं, आपने किसी को बोल दिया चिट्ठी लिखो, तो इट इज़ हमारे सेंटिमेंट को ख़राब करता है.
हमको दुख लगता है। और अगर आज मैंने ये इशू को रेज किया है तो सब लोग, दो तीन लोग ने कहा है कि क्यों अभी रेज कर रहे हैं, 25 साल तक कहा। राम पद जमतिया ने भी खुद की चिट्ठी लिखी, जितेंद्र चौधरी भी ये बात बोल रहे हैं। स्टेट लैंग्वेज है भाई, हमारे स्टेट लैंग्वेज को आप अगर इम्पोर्टेंस देंगे, जब कोई बाहर का व्यक्ति त्रिपुरा में आता है तो पग बरक में अनाउंसमेंट करने से हमको भी अच्छा लगता है। आप कल गुवाहाटी जाओगे तो आसामी में अनाउंसमेंट होगा, बंगाल में बांग्ला में होता है, महाराष्ट्र में मराठी में होता है, तमिलनाडु में जाओ तो तमिल में होता है, तो मिजोरम में जाओ तो मिजो में होता है। तो फिर त्रिपुरा में अगर हमारे एयरपोर्ट में, जैसे रेलवे स्टेशन में अगर अनाउंसमेंट किया गया तो किसको क्या आपत्ति हो सकता है? इतना तो सेंटिमेंट हमारे बारे सोच लीजिए। या फिर आपका सेंटिमेंट तभी आता है जब आपको वोट चाहिए। ये एक सम्मान के बारे में बात होता है। तो आई थिंक मीडिया शुड ऑल्सो ट्राई टू पुट दिस क्वेश्चन अक्रॉस दैट वी आर नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी वन, वी आर जस्ट वॉन्टिंग रिस्पेक्ट फॉर अस एंड दैट शुड बी अडियर। You give it. No, no. Let there be choice, na. Let there be choice. We wanting Roman script. Then somebody in BJP says Sanskrit, Hindi, Devanagari. तो आप वो भी ऑप्शन रख दो ना, इंग्लिश के साथ रख दो आप। लेकिन आपने कैसे बोला कि बांग्ला में होगा? जब 99.99% लोगों ने कहा कि हमें एक ऑप्शन दे दीजिए, आप ऑप्शन दीजिए ना। आप ऑप्शन क्यों नहीं देते? अच्छा, मुझे तो नहीं लगता कि आज तक किसी बंगाली ने कहा कि ट्राइबल को इसी लैंग्वेज में लिखना चाहिए। ये तो आप डिवाइड कर रहे हैं, पॉलिटिशियन डिवाइड करा रहा है। आम नागरिक को फर्क नहीं पड़ता कि एक टिपरा सा जब CBSE स्टूडेंट कौन सी भाषा में एग्जाम देगा, वो उनके ऊपर चॉइस लेना चाहिए। हम क्यों उनको हमेशा इम्पोज करते हैं? दिस इज नॉट राइट। और मुझे लगता है कि इसी के लिए ये स्टेट पे डिवाइड रहा है, क्योंकि ये नेता लोग चाहते हैं कि हम लोग डिवाइडेड रहे। और अगर हम लोग डिवाइडेड रहेंगे तो हम लोग एक दूसरे को, हम लोग बात नहीं करेंगे, और जब तक एक दूसरे से बात नहीं होगा ये लोग हमारा डिस्टेंस का, दूरिया का फायदा उठाएंगे। थैंक यू। एनी वन एवरीथिंग इज कवर्ड ठीक। थैंक यू।